हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं जेसिका और आपके अपने जेसिका ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम चल रहे हैं नाश्ता बनाने, जो कि ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए, अभी इसी नाश्ता को हम बनाएंगे और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आलू को कद्दूकस कर लिए और हरी मिर्च को कट कर लिए हैं और यहाँ पर गाजर को भी कद्दूकस कर लिए हैं। अदरक को कट कर ली हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, ये देखिए। और यहाँ पे शिमला मिर्च को भी कट कर ली हैं। यहाँ पे सूजी और बेसन को बराबर लिए हैं, जितना हम सूजी लिए हैं उतना ही बेसन भी लिए हैं। दोनों को मिक्स करेंगे और इसमें मिलाएंगे गरम मसाला, धनिया पाउडर थोड़ा थोड़ा मिलाना है और अब इसे मिलाएँगे। मिलाने के बाद यहाँ पर डालेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर, अब मिलाएंगे कटी हुई हरी मिर्च और इसके बाद कद्दूकस किया हुआ आलू, शिमला मिर्च कटा हुआ। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें मिला देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। यहाँ पे देखिए, इसमें नमक मिला दे रहे हैं और इसके बाद इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मिक्स हो गए हैं। इसी तरह इन्हें मिक्स करना है। अब मिलाएंगे चंकी चाट मसाला, इस नाश्ते में इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे कढ़ाई में डाल देंगे तेल, उसके बाद इसमें डालेंगे जीरा और सरसों का दाना। सरसों का दाना यहाँ पे थोड़ा सा धड़कने देंगे और धड़कने के बाद यहाँ पे डालेंगे कटा हुआ लहसुन और उसके बाद कटा हुआ अदरक। थोड़ी देर इन्हें पकाएंगे चम्मच से चलाते हुए। थोड़ा सा डाल देंगे हींग और पिसी हुई हल्दी, पानी डालेंगे पकने के लिए। अब इसमें डाल देंगे सूजी बेसन जो मिक्स करके रखे थे पहले से, यहाँ पे देखिए हम डाल दे रहे हैं। इसी थाली में थोड़ा सा पानी डाल करके डालेंगे। इसे चलाते हुए पकाना पड़ता है, तो यहाँ पे हम चलाते हुए इन्हें पका लेंगे अच्छे से। और ये देखिए, कुछ देर में पक जा रहे हैं। थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए तब इसे हम अपम पैन में पकाएंगे। ये देखिए, इसी तरह हमें पकाना है, इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे और इन्हें पतला नहीं रखना है, इसी तरह पकाना है। और यहाँ पर लिए हैं अपम पैन, इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे। चम्मच से देखिए, इसी तरह सारे में रखना है और अब इन्हें हम पकने के लिए रख देंगे और ढक्कन से ढक देंगे एक मिनट के लिए। उसके बाद इसमें डालेंगे ऑयल थोड़ा थोड़ा ऊपर से, इनसे क्या होंगे कि ये क्रिस्पी बनेंगे ऊपर से, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और इन्हें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो यहाँ पर देखिए हम इन्हें पलट दे रहे हैं। जैसे जैसे पकते जा रहे हैं वैसे वैसे हम पलट दे रहे हैं और जो अभी नहीं पके हैं उन्हें हम थोड़ी देर के बाद में पलटेंगे, फिर से ढक देंगे पकने के लिए। और कुछ देर के बाद देखिए, यहाँ पे हम और पहले से डाल दिए थे जो पक गए थे उन्हें हम निकाल लिए हैं और जैसे जैसे पकते जाएंगे वैसे वैसे हम निकालते भी जाएँगे, क्योंकि और थोड़ा सा बचा है तो उसको भी इसी में पकाना है। ये देखिए, एक पक चुका है तो इसे हम प्लेट में निकालेंगे। इसी तरह हमें पकाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। ये देखिए, नाश्ता बनकर के तैयार है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है चटनी के साथ। अभी चल रहे हैं इसको खाने और चलें सबसे पहले बैठने के लिए ले लें।
खा लें। अभी हम आपको खा के बताएंगे कैसे बना है। ये देखिए लिए हैं और चटनी भी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से क्रिस्पी है और देखते हैं अंदर से कैसा है। ऊपर से क्रिस्पी है फ्रेंड्स और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और खाने में बहुत टेस्टी है। फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो आप लाइक करें और कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें।